ट्रांसपोर्ट करता है कोलेस्ट्रॉल को लिवर से टिश्यूज़ के अंदर, एलडीएल लिवर से टिश्यूज़ के अंदर जो है वो लेके जाता है कोलेस्ट्रॉल को, और हाईएस्ट कंटेंट जो है वो कोलेस्ट्रॉल का जो है एलडीएल के अंदर होता है, एलडीएल जो है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो है एचडीएल, जिसके अंदर जो हाईएस्ट प्रोटीन कॉन्टेंट होता है, और ये टिश्यूज से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में लेके जाता है। ठीक है, इसका नेगेटिव कोरोनरी फैक्टर जो है और कोरोनरी रिस्क फैक्टर जो है नेगेटिव है, और ये हार्ट प्रोटेक्टिव होता है एचडीएल। ऑलराइट, फाइलोमाइक्रॉन जो है वो ट्राइग्लिसराइड में विशिष्ट जो है वो विशिष्ट इन ट्राइग्लिसराइड्स जो है वो फाइलोमाइक्रॉन्स हैं, विशिष्ट इन ट्राइग्लिसराइड्स, और ये डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यूज में लेते जाते हैं। सीक्रीट होते हैं फाइलोमाइक्रॉन्स फ्रॉम द इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स और एब्सेंट होते हैं ड्यूरिंग द फास्टिंग। ठीक है, तो फाइलोमाइक्रॉन्स क्या विशिष्ट इन ट्राइग्लिसराइड्स डिलीवर ट्राइग्लिसराइड टू पेरिफेरल टिश्यूज, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स से सीक्रीट होते हैं और एब्सेंट होते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग। जबकि VLDL जो है वो हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड जो है वो VLDL के अंदर होते हैं, हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड आर इज VLDL, और ये डिलीवर करते हैं हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स को टू द पेरिफेरल टिश्यू और लिवर से सीक्रीट होते हैं। जो फाइलोमाइक्रॉन्स हैं वो सीक्रेट हो रहे थे कहाँ से, वो हो रहे थे इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से, जबकि VLDL जो है सीक्रेट होता है लिवर से। VLDL लिवर से लिवर से जो है वो पेरिफेरल टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड लेके जाते हैं, जबकि काइलोमाइक्रॉन्स जो है वो भी डाइट्री हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड जो है वो लेके जाते हैं टू द पेरिफेरल टिश्यू, और VLDL हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड टू द पेरिफेरल टिश्यू लेके जाते हैं, काइलोमाइक्रॉन डाइट्री ट्राइग्लिसराइड लेके जाते हैं पेरिफेरल टिश्यूज के पास। काइलोमाइक्रॉन सिक्रीट होते हैं इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल से, और VLDL जो है वो सिक्रीट होते हैं लिवर से। काइलोमाइक्रॉन जो है वो फास्टिंग में एब्सेंट होते हैं। ओके, सो बात करते हैं आयरन पे। आयरन प्रेगनेंसी में जो है वो आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 3 to 4 मिलीग्राम जो है वो रिक्वायरमेंट है आयरन। आयरन की रिक्वायरमेंट है इन प्रेगनेंसी इन इस 3 to 4 मिलीग्राम। कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी इस 1200 मिलीग्राम। कंटेंट ऑफ फैट इन मेल इज 15%, सिर्फ 15% जो है वो फैट होता है मेल्स के अंदर। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन बॉडी के अंदर कौन सा है, एक्टिन। हाई एनर्जी कंपाउंड पर मॉलिक्यूल होता है एटीपी में, सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी कंपाउंड होता है पर मॉलिक्यूल इज एटीपी। हाई एनर्जी कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है, हाई एनर्जी कंटेंट कौन सा है, वो है स्टार्च। डाइट्री फाइबर में स्टार्च होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स में। सो आयरन प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट हो गई 3 to 4 मिलीग्राम। कैल्शियम रिक्वायरमेंट इन प्रेगनेंसी है 1200 मिलीग्राम। कंटेंट ऑफ फैट इन मेल इज 15%। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी इज एक्टिन। हाई एनर्जी कंपाउंड पर मॉलिक्यूल किस में होती है, एटीपी में। हाई एनर्जी कंटेंट किस में है, वह है स्टार्च। डाइट्री फाइबर्स में क्या होता है, स्टार्च होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं ट्यूबर्स के अंदर। फिर एटीपी के लिए आपको एटीपी को चाहिए होता है मैग्नीशियम। एटीपी नीड्स मैग्नीशियम। कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय एप्पल। सो एन एप्पल डे कैंसर अवे। सूप कंटेन इंक्रीज अमाउंट ऑफ सोडियम। कोलेस्ट्रॉल एनरिच्ड इन एग। एग के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल इज एनरिच्ड इन एग। ओके, अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस बाय सीरियल्स 350 to 450, 350 to 450। सीरियल्स के अंदर जो हाईएस्ट वो एनर्जी है, एनर्जी जो होती है सीरियल्स के अंदर होती है 350 to 450। और सीरियल्स के अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, सीरियल्स कंटेन्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। एंटायर बॉडी के अंदर जो 100 trillion सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म इज यूरिक एसिड। प्यूरिन मेटाबॉलिज्म का एंड प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। और ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो है वो उसका एंड प्रोडक्ट होता है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो है वो इंटरमीडिएट है ग्लूकोज का और एसिटाइल को ए का। ठीक है, और एसिटाइल को ए जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है फैटी एसिड में, कोलेस्ट्रॉल में और कीटोन बॉडीज में। ठीक है, सो एटीपी को मैग्नीशियम चाहिए होता है। कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एप्पल से। कोलेस्ट्रॉल जो है वो उसके अंदर एग में एनरिच्ड होते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सीरियल्स में होती है वो है 350 to 450। एंटायर बॉडी में 100 trillion सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ प्यूरिन मेटाबॉलिज्म जो है वो यूरिक एसिड होता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज होता है या ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज
पाइरूवेट, पाइरूवेट इंटरमीडिएट है ग्लूकोज का और एसिटाइल को ए का। एसिटाइल को ए जो है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है फैटी एसिड्स में, कोलेस्ट्रॉल में और कीटोन बॉडीज में। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मेनली प्रेजेंट होती है इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। सो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन प्रेजेंट होती है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो कि एक प्रोटीन सिंथेसिस में ब्रेक होते हैं वो हैं 4। एंड अर्लीस्ट डेफिनेट साइन ऑफ ब्रेन डेड, ब्रेन डेथ की के जो अर्लीस्ट साइंस हैं दैट इज एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस। एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस है यानी कि ब्रेन डेथ हो गई है, ठीक है। सो एलडीएल में हाईएस्ट कोलेस्ट्रॉल कंटेंट होता है और ये लिवर से टिश्यू में लेके जाता है। एचडीएल में हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट होता है और ये टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल को लिवर में लेके जाता है। काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड रिचेस्ट इन ट्राइग्लिसराइड और ये डाइट्री ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यूज में लेके जाते हैं और इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स से सेपरेट होते हैं। वीएलडीएल हाईएस्ट में हाईएस्ट ट्राइग्लिसराइड होते हैं और ये हेपेटिक ट्राइग्लिसराइड्स को पेरिफेरल टिश्यूज में लेके जाते हैं और लिवर से सेपरेट होते हैं वीएलडीएल। आयरन की प्रेगनेंसी में आयरन की रिक्वायरमेंट होती है 3 to 4 मिलीग्राम। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी में 1200 मिलीग्राम। फैट मेल के अंदर फैट 15% होता है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है वो ह्यूमन बॉडी में है एक्टिन। हाई एनर्जी कंपाउंड पर मॉलिक्यूल एटीपी में होता है और हाई एनर्जी कंटेंट जो है वो स्टार्च में होता है। डाइट्री फाइबर्स में स्टार्च होता है। लीस्ट अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है वो ट्यूबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एटीपी के जो है वो एटीपी को मैग्नीशियम की नीड होती है। कैंसर को हम प्रिवेंट कर सकते हैं एप्पल से। कोलेस्ट्रॉल एनरिच होते हैं इन एग। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सीरियल से प्रोड्यूस होती है वो है 350 से 450। सीरियल्स के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट हाईएस्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। टोटल बॉडी में 100 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यूरिन मेटाबॉलिज्म में का जो एंड प्रोडक्ट है वो है यूरिक एसिड कार्बोहाइड्रेट का, और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो एंड प्रोडक्ट है वो है पाइरूवेट। पाइरूवेट जो है वो इंटरमीडिएट है बिटवीन द ग्लूकोज एंड एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए डायरेक्टली कन्वर्ट हो सकता है इनटू फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कीटोन बॉडीज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो मेनली इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। और नंबर ऑफ बॉन्ड जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में टूटते हैं वो हैं टोटल 4। एंड अर्लीस्ट डेफिनेट साइन के ब्रेन डेथ की अर्लीस्ट डेफिनेट साइन होता है एब्सेंट ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, ओके। सो अच्छा, अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डन इज प्रोड्यूस्ड बाई नॉरएपिनेफ्रीन। ऑक्सीजन की अनकपलिंग जो है वो जो होती है तो वो होती किस तरह से, वो नॉरएपिनेफ्रीन से होती है। नॉरएपिनेफ्रीन ऑक्सीजन की अनकपलिंग करवाता है। नॉरएपिनेफ्रीन ऑक्सीजन की अनकपलिंग ऑफ ऑक्सीजन इज डन इज प्रोड्यूस्ड बाई नॉरएपिनेफ्रीन, ओके। सो तीन फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखने हैं। विटामिन्स जो है वो विच इंक्रीज के, वो क्या चीज़ इंक्रीज करते हैं। थायमिन इंक्रीज करता है इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बायोटिन इंक्रीज इनटेक ऑफ लिपिड। एंड राइबोफ्लेविन इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन। सो याद करें दैट इज वॉज इट वॉज थायमिन वॉज B1। तो थायमिन जो है वो इंक्रीज कर रहा है इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट। थायमिन इंक्रीज करता है कार्बोहाइड्रेट के इनटेक को। बायोटिन इंक्रीज करता है लिपिड को, लिपिड की इनटेक को। और राइबोफ्लेविन जो है वो इनटेक को इंक्रीज कर रहा है दैट इज़ प्रोटीन। सो B7 बायोटिन जो है वो इंक्रीज कर रहा है लिपिड। एंड राइबोफ्लेविन इंक्रीज इनटेक ऑफ प्रोटीन B2। रेट लिमिटिंग स्टेप्स में ग्लाइकोलिसिस अकर इन साइटोसोल। एंड प्रोडक्ट ऑफ एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज पाइरूवेट एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज लैक्टेट। रेट लिमिटिंग स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज रेट लिमिटिंग स्टेप इज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एरोबिक जो है वो एंड होती है पाइरूवेट में, और एनएरोबिक जो है वो एंड होती है इनटू लैक्टेट। सो रेट लिमिटिंग स्टेप्स में ग्लाइकोलाइसिस का रेट लिमिटिंग स्टेप इज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो है वो एंड होती है एट पाइरूवेट, और एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस एंड होती है एट लैक्टेट। मेजर डाइट्री कार्बोहाइड्रेट आर स्टार्च, सुक्रोज एंड लैक्टोज। सो मेजर डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्च सुक्रोज लैक्टोज जो कि मेजर कार्बोहाइड्रेट्स हैं आर स्टार्च सुक्रोज एंड लैक्टोज। स्टार्च जो है वो पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज डाइसेक्राइड है, फ्रक्टोज इज डाइसेक्राइड, ग्लाइकोजन इज एनिमल होमोपॉलीसेक्राइड इज ग्लाइकोजन।
डेक्सट्रॉन, डेक्सट्रॉन इज पॉलीसेक्राइड यूज इन हाइपोवोलीमिया टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ वाटर यूज इन पेशेंट्स विद लो बीपी। डेक्सट्रॉन जो है वो पॉलीसेक्राइड है जो कि हम हाइपोवोलीमिक पेशेंट्स में देते हैं ताकि फर्दर लॉस ऑफ वाटर नहीं हो और पेशेंट्स का बीपी जो है वो लो बीपी को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो हम देते हैं डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन क्या है? पॉलीसेक्राइड है जो कि हाइपोवोलीमिया में दिया जाता है टू प्रिवेंट द फर्दर वाटर लॉस इन पेशेंट विद लो ब्लड प्रेशर। स्टार्च जो है वो है पॉलीसेक्राइड, सुक्रोज फ्रक्टोज डाइसेक्राइड, ग्लाइकोजन इज एनिमल होमोपॉलीसेक्राइड। जो मेजर डाइट्री कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो है स्टार्च, सुक्रोज एंड लैक्टोज। स्टार्च, सुक्रोज एंड लैक्टोज। एटीपी कैलकुलेशन इन ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में। एरोबिक ग्लाइकोलिसिस में जो टोटल जो नेट गेन है वो है 8 एटीपी और जो नेट एटीपी ग्लूकोज के अंदर, ग्लूकोज का एरोबिक ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोज का नेट एटीपी गेन होता है 8 एटीपी और जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन है उसमें जो नेट एटीपी का गेन है वो है 9 एटीपी, जबकि एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस में नेट एटीपी गेन होता है 2 एटीपी और एरोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन इस नेट एटीपी इस 3 एटीपी। सो एरोबिक एंड एनएरोबिक में क्या फर्क है? एरोबिक में जो है अगर ग्लूकोज का की ग्लूकोज से आ रही है तो वो आएंगे 8 और अगर जो है वो ग्लाइकोजन से आ रहे होते हैं तो वो होते हैं 9 और अगर जो है वो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस हो रही है तो एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लूकोज में आते हैं 2 एटीपी और अगर ग्लाइकोजन से होती है एनएरोबिक तो फिर होती है 3 एटीपी। ठीक है, अच्छा ग्लाइकोजन एंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। ओके सो एंडरसन में जो है वो ग्लाइकोजन एंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज में सबसे पहले एंडरसन में ब्रांडिंग एंजाइम डिफिशेंसी होगी, कोरी के अंदर होती है डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी, मैकार्डल डिजीज एम से मसल फॉस्फोराइलेज मैकार्डल डिजीज ए फॉर एंडरसन, बी फॉर ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी, सी फॉर कॉरी, डी फॉर डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी। ठीक है, सो ए फॉर एंडरसन में ब्रांडिंग एंजाइम डिफिशेंसी, बी फॉर ब्रांडिंग एंजाइम डिफिशेंसी, सी फॉर कॉरी एंड डी फॉर डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी, एम फॉर मैकार्डल एम फॉर मसल फॉस्फोराइलेज। हर डिजीज़ में हेपेटिक मसल फॉस्फोराइलेज। हर डिजीज़ में हेपेटिक मसल फॉस्फोराइलेज। एम फॉर मैकार्डल डिजीज़ एम फॉर मसल फॉस्फोराइलेज। एच फॉर हेपेटिक मसल फॉस्फोराइलेज। वॉन ग्रिग डिजीज़ जी फॉर ग्रिग डिजीज़ में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फोटेज। वॉन ग्रिग डिजीज़ ग्लूकोज सिक्स फॉस्फोटेज। टेसेक डिजीज़ टी एस एच टेसेक डिजीज़ टी एस टेसेक टी एस टेसेक डिजीज़ टी एस एच हेक्सोअमाइनोडेज। एस फॉर स्फिंगोमाइलिन एन पी एस स्फिंगोमाइलिन निमिन पिक डिजीज़ एन पी एस निमिन पिक डिजीज़ एन पी एस निमिन पिक डिजीज़ टी एस एच टेसेक हेक्सोअमाइनोडेज। वॉन ग्रिग डिजीज़ जी फॉर ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज। एच फॉर हेपेटिक मसल फॉस्फोराइलेज। मैकार्डल डिजीज़ एम फॉर मसल फॉस्फोराइलेज। एंडरसन डिजीज ब्रांडिंग एंजाइम डिफिशेंसी, कोरी में डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी। मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग्स एंड सिम्टम्स एनकाउंटर्ड आफ्टर ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज हेपेटोमेगली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। जो ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में जो है मोस्ट कॉमन क्लिनिकल फाइंडिंग और सिम्टम क्या होगा, दैट इज
हेपेटोमेगैली एंड हाइपोग्लाइसीमिया, हेपेटोमेगैली एंड हाइपोग्लाइसीमिया, इट्स हेपेटोमेगैली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। सो ग्लाइकोजन स्टोरेज, ग्लाइकोजन एंड लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, ग्लाइकोजन इसमें जो है वो एंडरसन में ब्रांडिंग एंजाइम डिफिशेंसी, ए बी एंडरसन, बी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी, सी डी कोरी डी ब्रांचिंग एंजाइम डिफिशेंसी, मैकार्डल एम फॉर मैकार्डल, एम फॉर मसल फॉस्फोराइलेज, एच हर डिजीज, एच फॉर हर, एच फॉर हेपेटिक मसल फॉस्फोराइलेज, वॉन गिर्ट डिजीज, वॉन गिर्ट, जी फॉर गिर्ट, जी फॉर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, टीसेक डिजीज, टीएसएच, एच फॉर हेक्सोअमाइनिडेज, एनपीएस नेमन पिक डिजीज, एनपीएस नेमन पिक डिजीज, नेमन पिक स्फिंगोमाइलिन। सो मोस्ट कॉमन ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज में मोस्ट कॉमन सिम्टम्स या फाइंडिंग्स क्या होंगे, दैट इज हेपेटोमेगैली एंड हाइपोग्लाइसीमिया। ओके सो मेरास्मस और क्वाशियोरकर में क्या डिफरेंस है? मेरास्मस में एडिमा होगा, मेरास्मस में एडिमा एबसेंट होगा, सूखा कांगड़ी सा बच्चा होगा, एक्सट्रीम ग्रोथ फेलियर होगा, वेट बिलो 60% ऑफ द एक्सपेक्टेड वेट, एंड इसमें जो है पेशेंट यूजुअली अलर्ट होते हैं और गुड एपेटाइट होती है उनकी, फेस इज विजन एंड शिवर्ड, एंड लिटिल ओल्ड मैन लगते हैं या मंकी फेस होता है, लिटिल ओल्ड मैन और मंकी फेस होता है मेरास्मस में। मार्क्ड मसल वेस्टिंग एंड लॉस ऑफ सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा, मसल वेस्टिंग होगी और नॉर्मली जो है वो हेयरी होते हैं, ठीक है। अच्छा हेयरी आर नॉर्मल, ठीक है। मेरास्मस में एडिमा नहीं होता, मसल्स नहीं होते, सबक्यूटेनियस फैट नहीं होता, हेयर्स नॉर्मल होते हैं, पेशेंट जो है वो अलर्ट होता है, बच्चा अलर्ट होगा, गुड एपेटाइट होगी उसकी, उसका 60% से कम उसका वेट होगा, एक्सट्रीम ग्रोथ फेलियर में होगा और मंकी की जैसा फेस होगा, ठीक है। दैट इज़ मेरास्मस। क्वाशियोर एम फॉर मंकी, एम फॉर मेरास्मस, ठीक है, एम फॉर मंकी, एम फॉर मेरास्मस, इसे याद रखो। और एम फॉर मेरास्मस, एम फॉर मार्क्ड मसल वेस्टिंग। क्वाशियोरकर में एडिमा होता है, पॉट बेली होती है, पेट उसका फूला हुआ होगा, ठीक है, और इसके अलावा जो है वो वेस्टेड होगा, उसका सबक्यूटेनियस फैट नहीं होगा, साइकोमोटर चेंजेस होते हैं जिसमें एपैथी एंड इरिटेबिलिटी होती है, पूफी एंड मून फेस होता है, एंड ग्रोथ फेलियर में होता है, वेस्टिंग मार्क्ड होती है लेकिन एडिमा होता है वहाँ पर, हेयर चेंजेस प्रेजेंट होते हैं क्वाशियोरकर में। सो क्वाशियोरकर में एडिमा होगा, वीकनेस होगी, एपैथी एंड इरिटेबिलिटी होगी, पूफी एंड मून फेस होगा, एंड ग्रोथ फेलियर में होगा, और हेयर चेंजेस जो है वो प्रेजेंट होंगे।